नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में आप अर्थशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न देखोगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वैसे अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो घंटी है उसे भी दबा दो, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। हम इस चैनल पर प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियो डालते हैं। एक, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम बताएं। उत्तर, भारतीय रिजर्व बैंक। दो, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर, मुंबई में। तीन, भारत में एक रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, अन्य नोटों पर? उत्तर, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। चार, भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? उत्तर, 17। पाँच, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संगठन द्वारा की जाती है? उत्तर, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। छह, किस बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकता है? उत्तर, भारतीय रिजर्व बैंक। सात, भारत में किस फसल के मामले में हरित क्रांति सर्वाधिक सफल रही? उत्तर, गेहूं। आठ, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर, प्रधानमंत्री। नौ, भारत में किस विदेशी बैंक की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत हैं? उत्तर, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ब्रिटेन। दस, देश में किस भारतीय बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? उत्तर, भारतीय स्टेट बैंक। 11, सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है? उत्तर, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। 12, भारत में मुद्रा स्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तर, थोक मूल्य सूचकांक। 13, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? उत्तर, भारतीय स्टेट बैंक। 14, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? उत्तर, बंबई स्टॉक एक्सचेंज। 15, भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? उत्तर, 200 करोड़ रुपए। 16, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? उत्तर, भारतीय रिजर्व बैंक। 17, देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? उत्तर, दादाभाई नौरोजी। 18, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? उत्तर, सेवा क्षेत्र। 19, योजना आयोग की 1999-2000 की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत किस प्रांत में पाया गया? उत्तर, उड़ीसा। 20, वर्तमान समय में भारत में किस प्रकार की रोजगारी की समस्या बहुत गंभीर बनी हुई है? उत्तर, शिक्षित बेरोजगारी। 21, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी? उत्तर, 1956। 22, वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है? उत्तर, जम्मू कश्मीर। 23, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? उत्तर, सेवा क्षेत्र। 24, भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है? उत्तर, चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। 25, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? उत्तर, 1806 ही। 26, निजी क्षेत्र के काशीनाथ बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया है? उत्तर, भारतीय स्टेट बैंक। 27, भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग किस पर खर्च होता है? उत्तर, पेट्रोलियम के आयात पर। 28, 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? उत्तर, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक। 29, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? उत्तर, मुंबई। 30, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है?
उत्तर परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। 31. भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? उत्तर 6 अप्रैल 1948 को। 32. भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहां स्थापित की गई है? उत्तर सिरपुर। 33. एक रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? उत्तर वित्त सचिव, भारत सरकार। 34. सकलेफ डी आई में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? उत्तर महाराष्ट्र। 35. देश की साख एवं मौद्रिक नीति का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 36. पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तर उड़ीसा। 37. राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? उत्तर योजना आयोग का सचिव। 39. बैंक नोट प्रेस कहां स्थित है? उत्तर देवा। 40. भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? उत्तर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 41. भारत सरकार ने किस तारीख से चरणबद्ध ढंग से सभी स्वर्ण आभूषणों के लिए हॉलमार्क को अनिवार्य बनाने का फैसला किया? उत्तर 1 जनवरी 2008। 42. राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? उत्तर प्रधानमंत्री। 43. 13वां वित्त आयोग कब गठित किया गया था? उत्तर नवंबर 2007। 44. भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? उत्तर गेहूं और चावल। 45. मुद्रा तथा वित्त पर रिपोर्ट प्रकाशित होती है? उत्तर प्रत्येक वर्ष पर। 46. भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? उत्तर गोवा। 47. केली का सूचकांक टोबिनकर का संबंध है? उत्तर काले धन के लेन देन से। 48. अर्थशास्त्र में स्थैतिक तथा प्रावैगिक शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? उत्तर मिलने। 49. एक महानगर का तात्पर्य एक ऐसे शहर से है जिसकी जनसंख्या का आकार हो? उत्तर 10 लाख से अधिक। 50. भारत की मिट्टी में दो तत्वों की कमी उर्वरकों के उपभोग को अधिक आवश्यक बनाती है, ये दो तत्व कौन कौन से हैं? उत्तर फॉस्फोरस और नाइट्रोजन। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो घंटी है उसे भी दबा दो, जिससे कि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।